हाय गाइस, दिस इज़ यूट्यूब चैनल मार्केट मोबर और आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे सुजलॉन एनर्जी के बारे में। देखिए, सुजलॉन एनर्जी काफ़ी चर्चा पे रहा है लंबे समय तक। स्टॉक पे काफ़ी अपर सर्किट, लोअर सर्किट, प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ है। काफ़ी सारे लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, काफ़ी लोगों ने इस पे लॉस भी बनाया है। लॉस पे बुक करना पड़ा है इस स्टॉक को, क्योंकि अभी का चार्ट पैटर्न अगर देखिएगा तो सिर्फ 2 दिनों से ये स्टॉक लो अपर सर्किट लगा रहा। काफ़ी अच्छी खुशी की बात है। जिन लोगों ने पोजिशन नीचे के लेवल्स पर बनाया उनके लिए तो काफ़ी मज़े की बात है। मैं 1 साल का चार्ट लगा रहा हूँ यहाँ पे और 1 साल का एयरटेल डेट अभी तक तो 3.5 रुपये से स्टॉक 2.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा। और पूरे 1 साल के दौरान इस स्टॉक पे क्या हुआ ये जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, 6 रुपये के लेवल से ये स्टॉक अभी 2.70 रुपये पे ट्रेड हो रहा। मैंने आपको हमेशा सुजलॉन एनर्जी का पूरा प्लेलिस्ट है, आप जाके उठा के देखिएगा। इस स्टॉक को मैंने कभी भी नहीं कहा है कि इस स्टॉक को बाइंग करके चलिए। देखिए, स्टॉक इंसॉल्वेंसी पे जाने वाली थी, लेकिन इसके बाद इंसॉल्वेंसी में इसे ले जाने की प्रक्रिया में बहुत कोई जो लेंडर्स थे वो काफ़ी आगे बढ़े थे, क्योंकि आपको पता है कि डेट कंपनी के पास बहुत ज़्यादा हो चुका है। मोर देन 12,000 से भी ज़्यादा इनका डेट है। मैं आपको ये लिए चलूँगा, ये दिखाऊँगा, लास्टली आपको बताऊँगा कि इस स्टॉक पे क्या करना चाहिए। देखिए, इस स्टॉक का 5 साल का चार्ट इवन किसी भी टाइम फ्रेम पे आप देख लीजिए, आपके पैसे को इसने क्या किया है, आपको पैसे को इसने बर्बाद कर दिया है। और आप किसी भी टाइम फ्रेम पे इस चार्ट पैटर्न को लगा लीजिए, आपको सिर्फ लॉस ही देगा। तो अभी इस दौरान जिन लोगों ने नीचे के लेवल्स पे माल को ख़रीद रखा है उनको क्या करना चाहिए, और जो नए इस स्टॉक को काफ़ी अट्रैक्टिव देख रहे होंगे कि सर्किट लगना स्टार्ट हो गया है, अब क्या करूं, अब तो हमें माल नहीं मिलेगा, तो भैया संतुष्टि कीजिए। इस स्टॉक से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए। अभी गुड न्यूज़ आई है जिसके वजह से स्टॉक अपर सर्किट लगा रहा, और उसके बाद ये फिर से लोअर सर्किट जब लगाना स्टार्ट होगा तो कुछ इस तरह की दिशाएं होंगी कि आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कब इस पर लोअर सर्किट लगेगा और उसके बाद नीचे के लेवल से देखने को मिलेंगे आपको। तो मैं बातें करूँगा आज के न्यूज़ पे इस स्टॉक की, कि सुजलॉन एनर्जी पे हुआ क्या है, और उसी पे सारी चीज़ें डिपेंडेंट है कि स्टॉक आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो मैं लिए चलता हूँ आपको इस स्टॉक के न्यूज़ पे और दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए, यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी के लिए रिगार्डिंग सुजलॉन एनर्जी के लोन रिस्ट्रक्चरिंग के प्रस्ताव को शेयर धारकों की मंजूरी, ठीक है। रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को मंजूरी दी गई है। रिस्ट्रक्चरिंग किस पे किया जा रहा है कि कंपनी अपने डेट को कम करे, इसके लिए एक स्ट्रक्चरिंग किया गया है और उस स्ट्रक्चरिंग पे शेयर होल्डर्स की मंजूरी मिली है कि इस कंपनी को दिवालिया पे ना ले जाया जाए। इस पे कुछ रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस करके इस कंपनी के डेट को ख़त्म किया जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मंगलवार को सुजलॉन एनर्जी के शेयर धारकों ने कंपनी के कर्ज, ठीक है, कर्ज का मतलब क्या है, वही है कर्ज पुनर्गठन प्रस्ताव की हरी झंडी दे दी है। इस तरह अब कंपनी अपने लिए किए गए लोन को चुका सकेगी। जो लोन इन्होंने लिया है, काफ़ी ज़्यादा डेट इनका बढ़ चुका है, वो कैसे चुकाएगी, इसके लिए रिस्ट्रक्चरिंग प्लान किया जा रहा। बाज़ार को दी गई जानकारी के अनुसार सभी 10 समाधानों को शेयर धारकों तक पोस्टल बुलेट के जरिए भेजा गया था। इन्हें इसी माध्यम के जरिए अधिकांश निवेशकों की मिली मंजूरी मिल गई है, ठीक है। तो बहुत सारे निवेशकों को ये मंजूरी मिल चुकी है। बता दें कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग के चुनिंदा नियमों के लिए शेयर धारकों की स्वीकृति जरूरी होती है। इन समाधान योजनाओं के जरिए कंपनी कर्ज पुनर्गठन की जरूरतों को अनुपालन कर पाएगी। कंपनी लगातार अपनी देनदारी को कम करने के लिए योजनाओं पर काम कर रही है। तो पूरा का पूरा ये रिस्ट्रक्चरिंग किया जा रहा है। इनका डेट कितना है यहाँ पे दिया गया, दिसंबर तिमाही के नतीजे के समय कंपनी का नेट कर्ज कितना था, 12,900 करोड़, जैसे कि हमने कहा। अभी हम लोग चलेंगे एक दूसरे जगह पर और इसे और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ से कुछ फंडामेंटल्स पैरामीटर्स को दिखाऊंगा और इससे आपको क्लियर हो जाएगा।
देखिए कंपनी का 1400 करोड़ का ही अपना मार्केट कैप बचा हुआ है, और कंपनी के दोनों पैरामीटर्स जो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए वो तो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी इतनी ज़्यादा नीचे आ चुकी है कि इनका रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड देखना ही बेवकूफ़ी है। सेल्स ग्रोथ देखिए माइनस पे जारी है, कंपनी का समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी गिर भी है भैया, 76% से भी ज़्यादा, ठीक है। इंसॉल्वेंसी में आज तो नहीं जा रही है कंपनी, बट मैं ये अपनी बातों को यहाँ पे संभाल के रखूँगा, वर्ड्स को संभाल के बोलूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग हर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये स्टॉक किसी तरह से आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए हो सकता है ख़तरनाक। देखिए अच्छी खबर आई है, स्टॉक दिखा रहा है पोटेंशियल, बट यहाँ पे क्लियर हो जाता, 2017 के यहाँ पे 4 क्वार्टर मौजूद हैं। देखिए किसी भी कंपनी का ऊपर या नीचे जाना, ये जो आप देख पा रहे हैं ना ये स्क्रीन पे, यही इसका दिशा दृष्टि तय करती है। 2018 के 4 क्वार्टर है, 2019 के 4 क्वार्टर है। आपको कहीं से भी लग रहा है कि इस स्टॉक का सेल्स बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा। जब सेल्स नहीं बढ़ रहा और एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, एक्सपेंसेस भी कम नहीं हो रहे जिस हिसाब से होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही हो रहा। इसीलिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ जा रहा, माइनस पे जा रहा 2 क्वार्टर से, और अच्छा खासा माइनस पे जा रहा। साथ ही इनका लोन का बर्डन इस कंपनी को कहाँ पे ले जा रहा है, पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट इनका माइनस पे जा रहा। और सिंस फ्रॉम आप देखिए 2018 से ये कंपनी माइनस पे जा रही है, और ये कंपनी अपनी रिस्ट्रक्चरिंग की है किस वजह से, तो रिस्ट्रक्चरिंग करने की वजह है इनकी जो ये डेट है, ये डेट को कम करने के लिए बात कर रहे हैं। तो भैया डेट को अगर आपने कम भी कर लिया, मैं मान रहा हूँ डेट को कम कर लिया, तो क्या बिज़नेस आप खुद से उठा लोगे? कंपटीटर और भी हैं मार्केट में, आ चुके हैं, और बेसिकली बहुत ज़्यादा इस सेक्टर पे आपको न्यूज़ वगैरह और इसमें जो आने वाले टाइम का ग्रोथ है वो देखने को नहीं मिल रहा, ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं। एनर्जी जनरेट करती है विंड एनर्जी, आपको पता ही, और इसके इक्विपमेंट्स का बारे में इनकी कंपनी ये सेल्स करती है, बिजनेस करती है। देखिए बिजनेस क्या करती है, प्राइमरली इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए विंड टर्बाइन जनरेटर एंड रिलेटेड कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए वेरियस कैपेसिटी। तो इस इंडस्ट्री पे ही तेज़ी नहीं है, तो इसके कॉम्पोनेंट्स और वगैरह जो भी है सेल्स कहाँ पे होंगे, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टॉक पे बनने से पहले एक बार जरूर ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, तो इस चीज़ को समझने के बाद ही रिस्क लीजिएगा। इसके बाद भी रिस्क लेना चाहते हैं तो स्टॉक पे बन सकते हैं, बनने के लिए कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि पैसा है तो आपकी है, तो मर्जी भी आपकी चलेगी। बट कहीं से भी पोटेंशियल नहीं है, और इस स्टॉक को अगर जादू के जैसा आप देख रहे हैं कि जादू हो जाए और 2 रुपये से सीधे 200 रुपये तक चल जाए, या फिर इसका लाइफ टाइम हाई जो है वहाँ तक चला जाए, तो डेफिनेटली देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से इस स्टॉक को अवॉइड करने से ज़्यादा बेटर रहेगा, बाकी मर्जी आपकी है, आप अपने हिसाब से ज़रूर देखिएगा। अपने फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हुए, फाइनेंशियल आगे आने वाले टाइम में आपका पैसा अगर इस स्टॉक पर बनेगा तो ज़रूर देखिए, बट मैं ये कहूँगा कि आप इसे अवॉइड कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मर्जी आपकी है, जो करना है कीजिएगा। वीडियो के कंटेंट, वीडियो कैसा लगा होगा एक बार ज़रूर हमें बताइए। अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।